प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका वो भी बिना कार्टून में। सुंदरवन का जंगल बहुत खूबसूरत होता है। उसी जंगल में है गोरी और रानो रहती थी। रानो खूब मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन गोरी और कालू सारा दिन घर के काम भी करता बाहर के, लेकिन फिर भी गोरी खुश ना होती। बताओ गोरी जान, कैसी मछली बनी है? आपके लिए मछली बना कर आया हूँ गरम गरम। बताओ जान, कैसी बनी है? कब से इंतजार कर रही हूँ, क्या सो रहे थे किचन में खड़े होकर? इतने देर में तो सारे जंगल के पंछियों का खाना बन जाता है, जितनी देर में तुम मछली पका कर आए हो। ड्रामेबाज ना हो तो। जान जी, थका हुआ था, काम से आया हूँ, फिर खाना बनाया है आपके लिए। गुस्सा हो रही हैं आप? ऐसे ही कालू अगले दिन फिर काम पे चला जाता है। रास्ते में उसे रानो मिलती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इस तरह उदास क्यों लग रहे हैं? आप अपने खेतों से ही तो आ रहे हैं, फिर इतना अपसेट क्यों है? गोरी बाजी ने कुछ कहा है क्या आपसे? क्या बताऊं रानो आपको, मैं तो गोरी से तंग आ चुका हूं। हर टाइम मुझे मारती पीटती है। घर के भी काम करूं, बाहर के भी काम करूं, वो तो मुझसे खुश ही नहीं होती। अभी घर जाकर खाना भी बनाना है, थक गया हूं। ऐसे ही डार्लिंग, मैं खाना बना कर आता हूं आपके लिए। अभी आपने क्या खाना नहीं बनाया? मुझे लगा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आज आप ही खाना बना दीजिए। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, पता है ना कि तुम ही खाना बनाते हो, तो क्यों ड्रामे कर रहे हो? वैसे भी मुझे खाना बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब दफा हो जाओ और जल्दी से खाना बना कर आओ, आई समझ? इसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, सारा दिन खाना पकाओ। ये लो डार्लिंग जी, आज आपके लिए मुर्गी बनाई है, आप खा लीजिए, मुझे नींद आ रही है। ऐसे ही अगले दिन उसे रानो मिलती है। गोरी दीदी, मुझे आपसे बात करनी थी। कालू भैया बहुत परेशान रहते हैं, आप घर का काम भी उसी से कराती हैं और बाहर का काम। बीवी का तो फर्ज बनता है कि वो अपने शोहर की खिदमत करे और उसके लिए जब वो थका आए खाना बनाए। ये लेक्चर जाकर किसी और को देना, मुझे ये लेक्चर सुनाने की जरूरत नहीं है। ना तो मैं तुम्हारी नुकरानी हूँ कि तुम्हारे लेक्चर सुनाऊँ। वैसे भी ये हमारे घर का मसला है, मैं जानू या कालू जाने, पूछती हूँ उससे घर जाकर। अरे गहरे को अपने दुख भरी कहानियाँ सुनाता रहता है। अब हटो इधर से, ज्यादा दुख भरी कहानियाँ मत सुना मुझे कालू की। ऐसे ही गोरी घर जाकर कालू को कहती है, अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम जंगल के पंछियों को पकड़ पकड़ कर अपनी दुखी कहानी सुनाते हो कि मैं तुमसे घर के काम भी कराती हूँ और बाहर के काम भी कराती हूँ। ऐसा है ना, आज तो तुम्हें मैं ऐसी फेंटी लगाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। नहीं नहीं डार्लिंग, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने ऐसा अगले दिन जब रानो अपने खेत में थी, रानो तुमने क्यों गोरी को बताया कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं घर के काम और बाहर के काम करता हूँ? उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। मुझे तो करनी ही नहीं चाहिए थी तुमसे ये बात है। कालू भैया, कब तक गोरी से डरते रहेंगे? आज जाकर उसे एक थप्पड़ जाकर रख दीजिए, मुझे लगता है वो इस तरह सुधर जाएगी। अगर आपने उसे नहीं कुछ कहा तो वो इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती है आपके साथ। जब गोरी घर में बैठी थी कि कालू आ जाता है। अच्छा तो रोज तुम मुझे मारती हो और तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, मैं सारा दिन थकाता हूँ, आज तो मैं तुम्हें दो रख कर रहता हूँ। बड़ी आई मुझसे खाने पकवाने वाली, अब लड़ोगी मुझसे? बताओ।
कालू जी छोड़ दीजिए मुझे, कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए मुझे। आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ, खाना भी मैं पकाऊंगी, अभी पका कर लाती हूँ। है कहाँ कहाँ नहीं मारा इसने मुझे। ये ले कालू जी, आज के बाद मैं आपकी खिदमत करूंगी। ऐसे ही कालू फिर रानू के पास जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आज बड़े खुश लग रहे हो। लगता है गोरी दीदी सुधर गई हैं और आपके इशारों पर चलने लग गई हैं। खाना तो खिलाया ना रानो, तुमने बहुत अच्छा मुझे प्लान बताया था। गोरी को एक फेंटी ही लगनी थी, देर थी कि वो मुझसे माफिया मांगने लग गई। मैंने माफ कर दी, अब खुशी। ऐसे ही गोरी को भी अपने किए पर पछतावा होता है।